ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़े थे, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने डाइजेशन इन ओरल कैविटी और डाइजेस्टिव ट्रैक को लास्ट लेक्चर के अंदर देख लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर, आज हम स्टमक को देखेंगे, जो कि नेक्स्ट पार्ट है हमारी डाइजेशन का। आज हम देखेंगे डाइजेशन इन स्टमक। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि हमने बात की थी माउथ के बाद जो हमारा डाइजेशन का पार्ट आता है वो होता है इसोफेगस, और इसोफेगस के बाद आता है स्टमक। ठीक है, इसोफेगस बेसिकली वो ट्रैक है जहाँ से फूड गुजर के स्टमक तक आ जाती है। ठीक है, अब ये जो इसोफेगस और स्टमक का जंक्शन है, यानी वो जगह जहाँ पे इसोफेगस और स्टमक मीट कर रहे हैं, वो स्पेशल किस्म के मसल से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। इसको मेंशन भी कर देते हैं हम। हमने कहा कि हमारे पास जो इसोफेगस और स्टमक है, इसके दरमियान की जो जगह है या दरमियान का जो जंक्शन है, उसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और कार्डियक स्फिंक्टर बेसिकली है क्या? ये स्पेशल किस्म के सेल्स हैं जो कि रिंग रिंग फॉर्म में पाए जाते हैं। स्पेशल सेल्स या मसल्स आप इनको कहें, स्पेशल मसल्स हैं। और इनका काम क्या होता है? काम इनका ये होता है कि ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से होता ये है कि जो फूड है हमारे स्टमक के अंदर वो वापस नहीं जाती। यानी कि यहाँ पे हमने कहा कि कार्डियक स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होंगे, और ये जो कार्डियक स्फिंक्टर हैं ये क्या करेंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फूड जो है वो ना तो स्टमक के अंदर आ सकती है ना ही स्टमक से वापस जा सकती। ठीक है, तो जो बैकवर्ड मूवमेंट है फूड की वो रोकते हैं ये कार्डियक स्फिंक्टर्स। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं स्टमक के ऊपर कि स्टमक क्या है। स्टमक बेसिकली हम कहते हैं कि एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ पाया जाता है? बेसिकली स्टमक जो है वो हम कहते हैं कि डायफ्राम में पाया जाता है, और डायफ्राम में इसकी जो लोकेशन है वो लेफ्ट साइड है, एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड बनती है हमारे एब्डोमिनल कैविटी की। और स्टमक का काम क्या है? स्टमक हम कहते हैं कि ये फूड को स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, इट स्टोर्स द फूड। और एक तो ये कि फूड को टेम्परेरली कुछ देर के लिए स्टोर करता है, और दूसरा ये कि वो पार्टली फूड को डाइजेस्ट भी करता है, यानी फूड के कुछ कंपोनेंट्स को ये डाइजेस्ट भी करता है। पार्टली डाइजेस्ट द फूड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इसको बल्कि हेडिंग बना के वन बाय वन हम देखते जाते हैं कि स्टमक किस चीज़ से मिलके बना है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टमक को। स्टमक की बेसिकली तीन लेयर्स होती हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकें, यहाँ ये तीन लेयर्स मेंशन हुई हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी, इसको हम यहाँ पे आप स्टमक को देख सकते हैं। स्टमक में बेसिकली तीन लेयर्स पाई जाती हैं, यानी स्टमक जो है वो तीन लेयर्स से मिलके बना हुआ है। जो सबसे बाहर, यहाँ पे आप लेयर्स को देख भी सकते हैं, जो सबसे बाहर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं आउटर लेयर। और आउटर लेयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? आउटर लेयर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू। और इसका काम क्या होता है? ये इसकी प्रोटेक्शन में और इसकी पूरी जो शेप है इसके बनाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है सेकेंड लेयर, जो कहलाती है मिडल लेयर। और मिडल लेयर का क्या काम है? मिडल लेयर बेसिकली स्मूथ मसल से मिलके बनी। यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं, ये वाली जो लेयर है ये मिडल लेयर है, और हमने कहा ये स्मूथ मसल से या स्मूथ टिश्यूज से मिलके बनी होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इनर लेयर, ये जो सबसे अंदर आपको नज़र आ रही है। इनर लेयर बेसिकली सर्कुलर मसल या सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल हम कहते हैं, उनसे मिलके बनी है इनर लेयर। और इनर लेयर को हम म्यूकोसा भी कहते हैं, म्यूकोसा। ठीक है, और ये हमने कहा ये किस चीज़ से मिलके बनी है इनर लेयर, ये सर्कुलर मसल से मिलके बनी है। ठीक है, ये तीन लेयर्स आ गई। अब इन लेयर्स का क्या काम है? लेयर का बेसिकली, जैसे हमने इनर लेयर को भी देख लिया, इसके अंदर म्यूकोसा या इसको सर्कुलर मसल से मिलके बनी है, इनका काम ये होता है कि ये फूड को मिक्स करने में हेल्पफुल होते हैं। स्टमक ने ये करना होता है कि फूड को कुछ देर के लिए अपने पास स्टोर रखना होता है, और जब ये फूड इसके अंदर स्टोर होती है तो क्या होता है कि स्टमक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है, यानी कि मूवमेंट हो रही है यहाँ पर फूड की। और वो मूवमेंट जो है वो किस तरह से होती है? वो इन मसल्स की मदद से होती है। और जब फूड स्टमक के अंदर आ जाती है, हमारे मैदे के अंदर जब फूड आ जाती है, तो क्या होता है कि स्टमक के अंदर जो अंदर वाली लेयर है म्यूकोसा, जिसे हमने कहा है, इस म्यूकोसा के अंदर कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और उन ग्लैंड से कुछ खास किस्म के केमिकल्स रिलीज होते हैं। अब वो क्या केमिकल्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। हमने कहा कि जो म्यूकोसा लेयर है
म्यूकोसा के अंदर कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लैंड जो है वो हम कहते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके अंदर से कुछ सिक्रीट होता है, जिसके अंदर से कुछ रिलीज होता है। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स हैं बेसिकली इनके अंदर ये स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं, और सेल्स जो हैं वो तीन तरह की चीज़ें रिलीज करते हैं। एक हम कहते हैं, तीन तरह के सेल्स बेसिकली पाए जाते हैं। एक हम कहते हैं म्यूकस सेल्स, सेकेंड पे हमारे पास आ जाते हैं पेरिटल सेल्स, या इनको हम ऑक्सेंटिक सेल्स भी कहते हैं, और थर्ड हमारे पास है जाइमोजेन सेल्स। अब ये तीन तरह के सेल्स तीन तरह की चीज़ें रिलीज करेंगे। ठीक है, जाइमोजेन सेल्स। अब म्यूकस सेल्स क्या है? म्यूकस, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि म्यूकस सेल्स जो है वो क्या रिलीज करेंगे, वो म्यूकस रिलीज करेंगे। तो हम यहाँ मेंशन भी कर देते हैं ये म्यूकस सिक्रेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो पेरिटल या ऑक्सेंटिक सेल्स हैं ये क्या रिलीज़ करते हैं? ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करते हैं। और जाइमोजन सेल्स, जाइमोजन सेल्स जो हैं वो पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन ये केमिकल है जिसे ये रिलीज़ करते हैं। अब ये जो तीन तरह की चीज़ें हमने यहाँ मेंशन की, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कुछ और हॉर्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं, या कुछ और सिक्रीशंस भी जो हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में स्टमक के अंदर रिलीज़ होती हैं। और वो किस तरह से रिलीज़ होती हैं? वो बेस्ड ऑन द फूड दैट वी ईट, जो चीज़ें हम खाते हैं। लेट सपोज अगर हमने प्रोटीन ज़्यादा खा ली, या जैसे हम मीट लोफ खा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें मीट है, प्रोटीन्स हैं, तो जो ये सिक्रीशन है ये डिफरेंट तरह से होगी। ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटी में होगी। और अगर हम फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो उस केस में जो ये सिक्रीशन है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हम किस किस्म की फूड ले रहे हैं, उसकी स्मेल कैसी है, वो देखने में कैसी है, उसकी क्वालिटी किस तरह की है, तो उस तरह से ये डिफरेंट सिक्रीशंस जो हैं वो डिफरेंट अमाउंट में, डिफरेंट क्वांटिटी में रिलीज़ होती हैं। अच्छा, अब वन बाय वन हम इनको देखते जाते हैं। सबसे पहले हमने बात की है म्यूकस की। म्यूकस बेसिकली क्या है? म्यूकस हम कहते हैं कि वो एक थिक सिक्रीशन है, एक ऐसी ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड भी, सॉलिड नहीं, सेमी लिक्विड हम इसे कहेंगे। और इसका काम क्या होता है कि ये कवर करती है हमारे स्टमक की वॉल को। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टमक है, स्टमक को अंदर की साइड पे, अंदर की स्टमक की जो पूरी लेयर होगी, इनर लेयर, वो उसको कवर कर देगा म्यूकस। ठीक है, तो इसको हम मेंशन भी कर देते हैं कि इट इज़ अ थिक सिक्रीशन और ये करता क्या है, इट कवर्स इनसाइड ऑफ स्टमक, स्टमक को अंदर से कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड पे बात की थी कि हमारे पास जो पेरिटल सेल्स हैं या ऑक्सेंटिक सेल्स, वो क्या रिलीज़ करते हैं? वो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पे हमारे पास आ गया HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम जानते हैं कि एक ऐसा एसिड है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, और यहाँ पे जो रिलीज़ होता है वो भी एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में रिलीज़ होता है। और इसकी पीएच अगर हम देखें पीएच स्केल में, तो वो 2 से 3 जो है वो इसकी पीएच होती है। इसका मतलब है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में रिलीज़ होता है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में। और इसका काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फूड को, एक तो ये सबसे पहला जो उसका प्राइमरी काम है, वो क्या करता है कि वो पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है, पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में विद द हेल्प ऑफ HCl। दूसरा इसका काम यह है कि ये फूड को सॉफ्टन यानी फूड को नरम करने के काम आता है, सॉफ्टन द फूड। और तीसरा इसका ये काम है कि क्योंकि ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में रिलीज़ होता है, तो ये क्या करता है कि हमारे फूड में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको किल कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है। तो किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड, ठीक है, फूड में जो हमारे फूड के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हार्मफुल, तो वो इस HCl की मदद से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमने देख लिया HCl को, कि जो सेकंड चीज़ थी हमारे पास पेरिटल सेल्स या ऑक्सेंटिक सेल्स से जो रिलीज़ हो रहा है केमिकल, वो क्या करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जाइमोजन सेल्स। और जाइमोजन सेल्स की हमने बात की कि ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये पेप्सिनोजेन सिक्रीट करते हैं। अच्छा, ये पेप्सिनोजेन क्या चीज़ है? पेप्सिनोजेन बेसिकली एक एंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, हमारे पास एक एंजाइम है पेप्सिनोजेन, बेसिकली तो हमारे पास पेप्सिन एक एंजाइम है, और इसका काम ये होता है कि ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। ठीक है,
डाइजेस्ट प्रोटीन्स। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो जैमोजन सेल्स हैं वो क्या रिलीज़ कर रहे हैं, वो पेप्सिनोजिन रिलीज़ कर रहे हैं। पेप्सिनोजिन क्या चीज़ है? पेप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन है, ठीक है, इसको मेंशन भी कर देते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन है, ठीक है। पेप्सिन जो है अगर इनएक्टिव फॉर्म में, उसे हम पेप्सिनोजिन कहते हैं, और ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं हमारे स्टमक के अंदर। और होता यह है कि क्योंकि पेप्सिनोजिन के साथ साथ हमारे पास एचसीएल भी रिलीज हो रहा है, तो ये जब पेप्सिनोजिन है ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। और ये पेप्सिनोजिन कब कन्वर्ट होता है? ये तभी कन्वर्ट होता है जब इसके पास एसिडिक मीडियम हो। तो यहाँ पे इसकी एक रिक्वायरमेंट है, और वो क्या है कि यहाँ पे उसको एसिडिक मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम की मौजूदगी में ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन जो है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव जब होता है तो क्या करता है कि वो प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेस्ट किस तरह से करता है प्रोटीन्स को? बेसिकली जब ये प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है, हमारे पास प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स के ऊपर जब हमारा पेप्सिन एक्ट करेगा तो क्या होगा कि प्रोटीन्स हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, और हाइड्रोलाइज होकर क्या चीज़ें बनेंगी? हमारे पास पेप्टोन्स बन जाएंगे, या फिर हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स चेन बन जाएंगी, पेप्टाइड्स, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में जो है ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे प्रोटीन्स। अच्छा, तो ये हमने देख ली तीन सिक्रीशन, जो कि हमने बात की थी कि स्टमक के अंदर तीन तरह की चीज़ें रिलीज़ होती हैं, वो क्या क्या काम करती हैं, उनको हमने देख लिया। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि है वर्किंग ऑफ स्टमक, स्टमक का काम कैसा, वर्किंग ऑफ स्टमक। अब हमने बात की थी कि स्टमक का काम ये है कि स्टमक ने फूड को स्टोर करना है और पार्टली डाइजेस्ट करना है। तो सबसे पहला काम जो स्टमक करती है वो ये स्टमक करता है, वो क्या करता है कि वो उसके जो मसल्स हैं वो फूड को मिक्स करते हैं। अब जैसे जो हमने तीन सिक्रीशंस की बात की है ना, एक हमने कहा है कि हमारे पास म्यूकस है, एचसीएल है और पेप्सिनोजन, ये क्या है? ये बेसिकली स्टमक की सिक्रीशंस है, और ये कहलाती हैं गैस्ट्रिक जूस, हम इनको कहते हैं ये गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में देखें गैस्ट्रिक जूस है। अब स्टमक की जो वॉल है, हमने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करी होती हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से होता ये है कि जो स्टमक है और फूड जो हमारे स्टमक के अंदर आई है और ये जो गैस्ट्रिक जूस है, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि मसल्स जो हैं स्टमक के, मसल्स ऑफ स्टमक मिक्स फूड विद गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो मिक्स हो जाएगा स्टमक के अंदर जो फूड है उसके साथ। उसके बाद अच्छा, हमने बात की थी कि जब हमारे माउथ में जो एक फूड है, फूड का चंक है, और वो मिक्स हो गया है हमारे स्लाइवा के साथ, तो एक जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बने उसे हमने कहा था बोलस, याद है आपको? बोलस की हमने बात की थी। तो वो जो बोलस हमारे इसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक तक पहुंचा, और स्टमक में अब वो मिक्स हो गया गैस्ट्रिक जूस के साथ, तो अब उसका नाम हम चेंज कर देते हैं, अब हम उसे कहते हैं वो बन गया है काइम। काइम क्या है? बेसिकली काइम जो है वो सेमी सॉलिड मास है। और नाम डिफरेंट क्यों दिया? नाम इसलिए डिफरेंट दे दिया बिकॉज अब ये डिफरेंट फॉर्म में, एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा टूट फूट चुका होगा फूड जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो चुकी है, दूसरा उसके अंदर डिफरेंट तरह के गैस्ट्रिक जूसेस में हमने एचसीएल की बात की, पेप्सिनोजन की बात की, म्यूकस की बात की, वो भी इसके अंदर ऐड हो चुकी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कहते हैं? अब ये काइम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो काइम में कन्वर्ट हो जाता है, अब इसके बाद क्या स्टेप है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो फूड जो स्टमक के अंदर थी वो कुछ देर तो इसके अंदर स्टोर रहेगी, और फिर उसके बाद वो फूड मूव करेगी इससे आगे। और आगे क्या है? आगे हम अगर इस डाइजेशन के इस डायग्राम के अंदर देखें तो हम देखते हैं कि स्टमक के बाद हमारे पास आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं, जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं उर्दू में। तो इसके बाद जब हमने स्टमक को देख लिया, तो स्टमक के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसको आप देखें, जब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनके दरमियान में भी एक जंक्शन है, एक जोड़ है, और यहाँ पे एक स्पेशल किस्म के मसल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान पाए जाते थे। और ये जो मसल्स हैं ये क्या कहलाते हैं? ये जो जंक्शन है यहाँ पे, इनको हम कहते हैं, ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये क्या है? बेसिकली एक वॉल्व की तरह का
काम ये सर अंजाम दे रहे हैं, और क्या काम है कि ये बैकवर्ड मूवमेंट को रोकते हैं, यानी कि वो फूड जो कि एक दफ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली गई है वो फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर उसको वापस स्टमक की तरफ आने से रोकता है, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे एक वॉल्व यूज़ हुआ है जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर में देख लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिर डिटेल में देखेंगे कि इसके अंदर डाइजेशन किस तरह से होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हम कहते हैं कि वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। हम इसको डिवाइड कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को इंटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स। और वो डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं? पहला जो है वो कहलाता है ड्यूडनम, सेकेंड पार्ट जो है वो कहलाता है जीजनम, जीजनम, और जो थर्ड पार्ट है वो कहलाता है इलियम। ये तीन पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो जब हम ये बात करें कि स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? वो बेसिकली ड्यूडेनम पार्ट के अंदर एंटर हो रही होगी। तो ये था थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन का इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा हम आज के लेक्चर को देख लेते हैं कि की पॉइंट्स हमने क्या देखे हैं आज के लेक्चर के अंदर। बेसिकली हमने देखा कि जिस किस्म की हम फूड लेते हैं उसी किस्म के हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के डाइजेशन के तरीके हैं, यानी कि हमने देखा कि हमारे पास स्टमक के अंदर डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं और सेल्स के डिफरेंट सिक्रीशंस हैं। तो जिस तरह के फूड हम खाते हैं उसी तरह की सिक्रीशन जो है वो यहाँ पर होती हैं, और उसी तरह से फिर वो फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है। एक पॉइंट यहाँ पर मैंशन करना ज़रूरी है, और वो ये है कि हम जानते हैं कि समटाइम्स हम प्रोटीन्स ज़्यादा लेना शुरू हो जाते हैं, या समटाइम्स हम फूड के कुछ कंपोनेंट्स ज़्यादा लेने शुरू हो जाते हैं, तो उस तरह से फिर उसकी जो डाइजेशन है वो भी डिफरेंट तरीके से होती है, ठीक है। अब अगर हम प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं तो होता ये है कि हमारे बॉडी के अंदर, इसको साथ साथ मेंशन करते जाते हैं कि अगर हम ज़्यादा प्रोटीन्स का इंटेक करें तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो कहलाता है गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। और गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? ये ब्लड के अंदर चला जाता है और ब्लड से मूव करता करता हमारे स्टमक तक आ जाता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन क्या हुआ कि ये मूव करके हमारे स्टमक तक आ गया। कहाँ से आया? वो आया ब्लड, ठीक है, ब्लड के थ्रू ये स्टमक तक आ गया। अब स्टमक को जब पता चलता है कि गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ हुआ है तो स्टमक क्या करता है कि वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो उसके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस भी ज़्यादा सिक्रेट करने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वंस गैस्ट्रिन हार्मोन इज रिलीज्ड, उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास मोर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, ठीक है, यानी कि हमारे पास म्यूकस भी ज़्यादा सिक्रीट होगा, एचसीएल भी ज़्यादा होगा, पेप्सिनोजन भी ज़्यादा सिक्रीट होगा, ठीक है। और इससे होगा क्या, बेसिकली क्या हो रहा है, ये रेगुलेशन हो रही है हमारे बॉडी के अंदर कि किस किस्म की फूड आएगी तो उसको किस तरह से कंट्रोल करके ज़्यादा सिक्रीशन जो है वो देनी है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक बात की कि पेप्सिनोजन रिलीज़ होता है, तो पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म हम कहते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रिलीज़ होता है, ये एक क्वेश्चन है अगर आपसे कोई भी पूछ सकता है कि पेप्सिनोजन अगर इसने कन्वर्ट ही होना है पेप्सिन में, हमने कहा था कि पेप्सिनोजन जो है पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है और पेप्सिनोजन को आखिरकार कन्वर्ट होना होता है पेप्सिन में ताकि वो एक्ट कर सके प्रोटीन के ऊपर, तो पेप्सिनोजन ही क्यों रिलीज़ होता है, पेप्सिन क्यों नहीं हो जाता? उसकी वजह यह है कि हम जानते हैं कि पेप्सिन जो है इसका काम क्या है कि इसने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है, ठीक है। अब हमारे जो स्टमक की वॉल है अंदर की साइड से वो भी एक प्रोटीन ही है, ठीक है। तो अब होता यह है कि अगर ऐसा हो कि हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिन रिलीज़ हो जाए जो कि एक्टिव फॉर्म में हो, तो क्या होगा कि हमारे अपने ही स्टमक की जो वॉल है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता भी है जिनका हम कहते हैं कि जिनको अल्सर हो गया है, उसमें क्या होता है कि उनके स्टमक के अंदर जो एसिड है वो क्या करता है कि वो उनकी अपनी ही स्टमक की जो वॉल है वो उसको खाना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और उनके स्टमक के अंदर ज़ख्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है, और जब फूड हमारे स्टमक के अंदर आती है सिर्फ तभी एचसीएल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है और वो फिर इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये वजह है कि पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है। अच्छा, एक और बीमारी जो आप जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पेप्सिनोजन या अल्सर की जिस तरह से हमने बात की, इसी तरह एक और बीमारी होती है नॉर्मली बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों में, और वो कहलाती है हार्ट बर्न। या फिर हम इसे पायरोसिस भी कहते हैं। पायरोसिस या हार्ट बर्न क्या है? बेसिकली हम इसे सीने की जलन भी कह सकते हैं नॉर्मल आम ज़ुबान में या आम लोगों के लिए। ये है क्या, इसमें ये होता है कि सीने में बहुत ज़्यादा तेजाबी हो तो जलन सी महसूस होती है, और ये कब होती है? तब होती है जब आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो, ओवर ईटिंग कर ली हो, या फिर आपने फैटी फूड्स बहुत ज़्यादा ले लिए हो, ठीक है।
फैटी फूड, और या फिर आप खाना खाते ही लेट गए हो। मोस्टली ऐसे होता है कि लोग खाना खा के लेट जाते हैं। ठीक, लेटने से क्या होता है कि हमारी फूड जो है वो सही से डाइजेस्ट नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो या कैफीन बहुत ज़्यादा लो अपने फूड में, कॉफ़ी या चाय बहुत ज़्यादा पीते हो, तब भी ऐसे हो सकता है कि हार्ट बर्न आपको हो सकते हैं। तो ये एक बीमारी है जो कि रिलेटेड है आज ही के टॉपिक से। तो ये हमने देख लिया आज डाइजेशन।